क़यामत के दिन मैं कहूँगा सफिया मैं तुम्हें नहीं पहचानता, ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है। मैं कहूँगा कौन हो, कहाँ से आए हो? ये कहेगा अब्बा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है, और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्सी नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल इसहाक याकूब यूसुफ यूनुस ईसा मूसा यूशा लूत शुएब साले हूद, सारे अंबिया नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती वाह या रसूल अल्लाह हम आप पे कुर्बान जाए। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब उम्मती उम्मती, या रब उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, तो नजरें तवाफ करेंगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये कौन बोल रहा है, सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके झोली फैला के खड़े, मेरी उम्मत को, मेरी उम्मत को, कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते, चोरियां करते रहे, डाके मारते। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा। तो इससे प्यार ना करे तो और किससे करे? मौत पे रिश्ते टूट जाते, मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा ले, मरियम जाने तू जाने, मेरी ईसा। पांच बड़े रसूल हैं, नूह इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर, मेरी जान बचा। और मेरा नबी कहे या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, कौन सी उम्मत ने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया। मेरा नबी कहता दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। सब बिलत ये नहीं कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा, नहीं या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। यहाँ अल्लाह कहेगा वाला सौफ माफी चाहता हूँ मैं जज्बाती हो गया हूँ। मेरे भाई बहनों मेरे बच्चों थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो। मैं थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूँ। जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया और नहीं तो मेरी माँ तो होती, चूंकि माँ को देखा है ना, बाप को देखा नहीं है,
तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आ रहा हूँ, नमाज फिर पढ़ा दूंगा। अपने वालदेन की इज्जत करो। यहाँ जब यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं, अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस और वो करण की शाख से होगा। हो गया टाइम? अच्छा अच्छा, उसे दुआ कराना अली आप भी, उमर आप भी, या रसूल अल्लाह किस लिए? कहा उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए, कहा भाई यमन वाले खड़े रहो बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए, फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्ण वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा, कहा तुम कर्णी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी मेरे भाई का बेटा है लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? अवैस उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है। किधर है? कहा जी ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हजरत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ। तो हजरत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं। फरमाइए आप। हजरत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगे, आप नबी के सहाबी, मैं आजिज मस्कीन, मैं दुआ करूँ? मेरी औकात है मैं दुआ करूँ? कहा हमें हमारे नबी ने फरमाया था अवैस आए तो दुआ करवानी है, उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं। जिहाद है? नहीं। इल्म है? नहीं। नमाज है? नहीं। रोज़ा है? नहीं। ज़कात है? नहीं। खैरात है? नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे अवैस चलेगा, जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया, तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे। तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया आप तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल ना सकेगा, ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियाँ की, क्यों की? मा सुनो हदीस, मा तज़व्वजत वमा ज़व्वजत इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की, मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो मैंने की, मैंने अपनी बेटी वहाँ दी जहाँ मेरे अल्लाह ने फरमाया।
तो इतनी शादियां क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खाविंद और बीवी है, सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खाविंद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई, आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंध रहे हैं, आप हजरत आयशा को लुकमे बना के खिला रहे हैं और हजरत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं, आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयहवनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा, मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह अल्लाह की कसम, हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिंद को दे, खामिंद अपनी बीवी को दे। हुन्न लिबासुल लकुम वअन्तुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता, तेरा खामिंद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि दो दो महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की जबान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। सुभान, हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफर से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ सारे आगे। सारे आगे चले गए तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह, हज़रत अम्मा आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं। उन्होंने कहा जी लगाएं। तो कहने लगे हमें दौड़ लगाई। तो कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफर से आ रहे थे, तो आपने कहा सहाबा से जाओ भी चले जाओ आगे 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 आगे, वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों जरा मैं मोटी हो गई थी जी, तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज ही बेतिल का, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा, अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिंद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो, बैलेंस जिंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए, वो यहाँ जो एक सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है ना, हैं सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी यहाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सलूशन बताएं। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं, इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी, और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन जैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते, फिर फरमाते तुम्हारा ऊंट कैसा है। एक दफा आप सजदे में गए, फर्ज नमाज फर्ज, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था, तो मैंने यूं करके देखा भाई चक्कर की है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं, मैंने कल भी कहा था डायन ना बनो माँ बनो, थानेदार ना बनो बाप बनो। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं, तो मुझे देखना, आपने यहां से ऐसे सजदा होता है ना, तो आपने इधर या इधर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए, तो आपने सजदे में यूं किया, ये देख रहे हो,
पीछे हट गए। जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। और जब नमाज से फारग हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया, कबे अभी हुमा व अम्मी ला तो दो हुमा, मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें दुख ना पहुंचाना। क्या आप देख रहे थे, एक जहर में तड़प तड़प के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेजे पे चढ़ाया जाएगा। आपको औलाद की मोहब्बत, नबी जिस दिन आप जा रहे थे, फिर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 611 ईस्वी 6 जून, आपने सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुख्सत फरमा दिया। फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखे, उनके कमर पे हाथ फेर ना, फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, करो नहीं, तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। फिर आपने अली को बुलाया, दुआ दी, कहा फिर हसन हुसैन को बुलाओ। जूं ही आपने उनको यूं लिया, तब कैसे पानी की तरह आंसू बहने लगे, इस तरह कि आप आगे देख रहे थे कि एक बच्चे का सर कट के नेजे पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है, लेकिन आपने तकदीर, अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए। और जिब्रील, थोड़ी देर के बाद जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है, जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें, मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए। और आकर कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, आपने कहा वालेका सलाम, कहा या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ, मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों के किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं मेरे रब ने कहा, आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे, कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, आदमी यहां से सवाल करता है कि तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए, आज सातों आसमान के फरिश्ते इकट्ठे, सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा देखो हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर, उनके लिए हाथ नहीं उठाए। आपने जिब्रील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, ये जो हम बैठे हुए हैं गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर, चेहरे पर लेकर, कहा जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहां से पैगाम आया,